श्रीलंका के कमेंटेटर रोशन अभयसिंघे ने श्रीलंका और बांग्लादेश के महिला क्रिकेट मैच में ऐसा सेक्सिस्ट कमेंट किया कि भारी आलोचना के बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ गई। बांग्लादेश के खिलाड़ी नाहिद अख्तर के नो बॉल फेंकने पर रोशन अभयसिंघे ने कहा, इनका नो बॉल फेंकना माफी के लायक नहीं। माफी के लायक दो तरीके से नहीं है, एक तो ये स्पिनर है, दूसरा ये एक महिला है। मैं नहीं सोचता कि महिला क्रिकेटर के पैर इतने ज्यादा स्ट्राइक ले सकते हैं। यानी रोशन अभयसिंघे के मुताबिक महिलाओं के फुट स्टेप इतने लंबे नहीं हो सकते कि नो बॉल हो जाए। रोशन अभयसिंघे के ऐसे सेक्सिस्ट कमेंट पर महिला कमेंटेटर जियोर्जी हेड को गुस्सा आ गया और उन्होंने ट्वीट करते हुए रोशन अभयसिंघे को महिला क्रिकेट में बैन करने की मांग पर कहा, इस कमेंटेटर को महिला क्रिकेट में भविष्य में कमेंट्री करने से पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। जियोर्जी की आलोचना करने पर रोशन अभयसिंघे ने माफी मांगते हुए जवाब दिया और कहा, हाय जॉर्जी, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं बिना शर्त के माफी मांगना चाहता हूं। मैंने किसी को बेइज्जत करने के लिए कमेंट नहीं किया था, बल्कि नादानी में सिर्फ क्रिकेट के नजरिए से एक बात बोली थी। फिर भी मैं माफी मांगना चाहता हूं और अपने आप को सही करना चाहता हूं। मैं एक बार फिर माफी मांगता हूं। अच्छी बात है कि रोशन अभयसिंघे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन आप महिला क्रिकेट में ऐसे सेक्सिस्ट कमेंट को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।